उसको देख के आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको सही लगेगा वो किल तो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो कैसे बजाते इसको, और जो सीन किया ना भाई, बस देखो आप। तो ये मेरा सिग्नेचर शॉट नहीं है, अब मैं मारने वाला हूँ उसको अपना सिग्नेचर शॉट। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब नोवो में देखो यार क्या गंद मचने वाली, मतलब दो टीमें पीछे उतर गई हैं, एक वहाँ जा रही है जहाँ हम जा रहे हैं और एक आखिरी टीम आगे की तरफ जा रही है। अब देखना ये होगा कौन कितनी बसड़ मचाता है। फिलहाल यहाँ तो उधर से मेरे को मिल जाती भैया DP जो कि दूर पड़ी मेरे को दिख गई थी, और बस फिर क्या था, अब देखो कैसे तबाही मचाते हैं। बस DP मिल जाए ना, मतलब फिर काम हो जाए, बन जाता पूरा, मतलब अब देखो बस कैसे मारते हैं। तो इनके दो बंदों को तो मैंने धर दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले तो इसकी बायजन उठा लेते हैं, और मैंने सोचा कि बायजन को रिलोड करेंगे DP की जगह पे, लेकिन बायजन भी भाई बहुत टाइम लगाती है। फिलहाल जो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को भागते हुए, फुटस्टेप सुनिए, और वो चला जाता है सीधा कंटेनर के अंदर। अब देखो कैसे भरते हैं। और ये भाई साहब पता नहीं क्यों पेन किलर लगा रहे होते हैं। वैसे इसके पास M4 थी जो कि मैंने ले ली, अब आने वाला है मजा असली। फिलहाल जो है मेरे टीममेट ने भी बीच वालों को भर दिया है, और बीच वाले स्क्वाड जिनके दो बंदे खत्म हो गए थे, बाकी के दो बंदे मेरे टीममेट ने खत्म कर दिए। अब बची थी उधर वाली टीम, अब देखो उनको भी कैसे भरने वाले हम। अब मेरा टीममेट नॉक करता है और मैं मतलब पूरा ऑलमोस्ट फिनिश ही कर देता हूँ उसको, लेकिन उसका टीममेट जो है उसको बचाने के लिए वहाँ निकल लेता है। अब हमको क्या करना था भैया, जल्दी से पहुँचना था वहाँ पे और भरना था दोनों को, और सबसे पहले तो मैं पहुँच गया, मतलब किल मेरा। अब इतनी दूर से ट्रैवल करके आए तो भैया इसको रिवाइव कर लेना चाहिए था इसके टीममेट को, लेकिन पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे थे। लेकिन हमको क्या लेना लेना इन दोनों से, हमको तो मिल गई हमारी लूट। अब जो आखिरी टीम बची हुई थी उसको भैया अब देखो कैसे बजाते हैं हम। दो नॉक हो गए उनके, और बाकी के जो दो हैं अब देखो कैसे बजाते हैं उनको। अब यहाँ पर जिस टीम को मारने हम आए होते हैं वो टीम किसी दूसरी टीम के साथ ही फाइट करने में बिजी हो जाती है, और हम उठा लेते हैं फायदा। और अरे तीनों के तीनों बेचारे मेरे स्प्रे में आ गए, और क्या ही बताऊँ यार, मतलब इतना सही सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये कितना अजीबोगरीब लगता है, लेकिन मतलब काफ़ी इससे टाइम बचता है कुछ कुछ चीज़ों में। फिलहाल पीछे एक और टीम स्पोर्ट होती है, तो इसको भी मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इनके पास लूट ही नहीं रहती, तो ये पीछे की तरफ भागते रहते हैं। और मेरा टीममेट जो है इसको नॉक कर देता है। अब बचा था इसका आखिरी बंदा, और वो भी यहीं कहीं होना चाहिए क्योंकि ये भाग रहे थे यहाँ से। और जैसे कि मैंने कहा था ये लोग वाकई में यहाँ से भाग रहे थे, तो सबसे पहले इसी के टीममेट को फिनिश कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है सीज़न भी नया आने वाला है, तो एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, 1xBet काफ़ी सही है, रोज़ बताता हूँ, आप ट्राई करते हो बहुत सारे लोग, एंड जिन नहीं करा तो वो भी ट्राई करना यार। फिलहाल गाड़ी काफ़ी लेट मिलती है, और मैं 1xBet का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में पिन, तो यूज़ करना उसको, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, आपको बोनस भी मिलेगा, तो जिसको आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल उसके अलावा हमको यहाँ पर मिलती है एक टीम, अगर इस जगह पे जो दिक्कत होती है ना सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि कोई घास में अगर लेट गया ना तो इतनी ऊंचाई से दिखता ही नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स जितने सही हो ना घास उतनी मतलब घनी दिखती है, और उसमें अगर कोई लेट जाए ना मतलब भैया गुम हो गया। फिलहाल जो है यहाँ पे हमारी फ्यूल ख़त्म हो गया था इस गाड़ी का, और फ्यूल भी देखो कैसी जगह पर ख़त्म हुआ, मेरे पास एमओ कितनी पड़ी है, सिर्फ 21, और सामने बंदे पूरे 4 जिनने ड्रॉप मंगा रखा। अब मैं उससे पहले कि नॉक वाले को फिनिश कर पाता, भैया देखो एमओ किस जगह पे ख़त्म हुई आके, और ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा, लेकिन मेरे टीम मेट ने मुझे 70 एमओ दे दी एहसान के तौर पे, वो भी भैया गिर भी दिए, बोल रहा कि आगे जाके वापस लूँगा मैं जितनी बचेगी, मतलब क्या ही सीन है भाई। फिलहाल अगेन नॉक किया, और ये बेस्ट मौका था हमारे पास कि जाके सीधा पुश कर दो, 3 में से 1 नॉक हो गया। अब देखो वहाँ पर ड्रॉप गिर रहा था, तो मतलब बाकी के इसके बंदे ड्रॉप के पीछे भाग रहे थे, मतलब
बंदा 9 को है तो मतलब होने दो उसको, लेकिन पहले ड्रॉप लूट लेते हैं, ड्रॉप वेपन ले ले, क्योंकि भैया ड्रॉप वेपन लिमिटेड होते हैं और चारों में से चारों को बट नहीं सकते, तो वो लूटने के पीछे पड़े थे सबके सब। और अब देखो कैसे बचाते हैं इनको। उधर मेरे टीममेट ने 2 बजा दिए, इधर मैंने 1 बजा दिया, मतलब बचा था इनका आखिरी बंदा, और उसके फुटस्टेप आ रहे थे इस वाली जगह से। लेकिन 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 मैं सोचता हूँ कि इसको स्टाइल से मारूंगा, लेकिन स्टाइल के चक्कर में यहाँ पे मरते मरते बचा। अब हर बार यार फ्री पिक करना सही बात नहीं होती, तो जो मैं करता हूँ इसको बोलते हैं फ्री पिक, जिसमें पिक करते हुए आपका स्कोप ओपन नहीं होता, जिससे थोड़ा सा टाइम बचता है, स्कोप ओपन होने में हल्का सा टाइम लगता है, कुछ मिली सेकेंड का, कि जो कि मैं बचा लेता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी दिखाओ, तो जो मैंने अभी दिखाया वो सेंसिटिविटी थी मेरी, बट हाँ गलती से अपने मोबाइल पे मत लगा लेना इस सेंसिटिविटी को, वरना कहीं के नहीं रहोगे, ना गेम खेल पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये आईपैड की सेंसिटिविटी है और मेरी आईपैड की सेंसिटिविटी भी इतनी हाई है कि कोई आईपैड पे भी नहीं खेल सकता उससे, तो मत लगा लेना इसको, पूरा स्क्रीन से कांपने लग जाएगा। फिलहाल एक गाड़ी स्पोर्ट होती है, अब देखो कैसे भरते हैं उनको। अब देखो यार 2 बंदे होते हैं फुटस्टेप से, तो यही लग रहा था, लेकिन पीछे आ जाती है गाड़ी, उससे पहले कि मैं नेट फेंक सकूँ, लेकिन मैं नेट कुक करने में देरी नहीं लगाता, अगेन कुक किया, और अब देखो सरप्राइज मिलने वाला है। दोनों के दोनों एक ही जगह पे थे, मतलब ये एक नेट फेंकने वाले के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिलहाल इसको भी भरते हैं ज़रा। और ये भी अकेला ही था हमारे जैसे, जैसे हम डुओ भी स्क्वाड खेल रहे हैं, वो बंदा भी मेरे को लग रहा था कि सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ, पांडा का फैन आया था हमारे मैच में गाइस। फिलहाल जो है निकल लेते हैं यहाँ से, और अब देखो बचे हुए थे कुल 13 बंदे, और हमारी कोशिश यही थी भैया जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा किल करना है, और सामने फ्लेयर दिखती है इसी चक्कर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आते कुछ फुटस्टेप। अब देखो कैसे भरते हैं गेम, और अगेन यहाँ पे फ्री पिक काम आई, ये बंदा भी सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था। तो जब आप डुओ भी स्क्वाड लगाते हो ना, आपकी मैचिंग एक टीम के साथ नहीं होती, आपकी टीम भी बस ऐसे मैच मेकिंग होगी कि वो भी मतलब कोई डुओ होगा कोई स्क्वाड होगी, लेकिन बहुत कम होगी। फिलहाल इस वाली टीम पे जाते हैं हम, लेकिन अब ये देखने में लग रहा था बहुत क्लोज है, लेकिन वाकई में बहुत दूर था, फ्यूल भी नहीं था हमारे पास इतना, और फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अब देखो यहाँ पर फ्री पिक के जलवे दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर मैं अटक जरूर गया था, लेकिन बच भी फिर से गया मैं। अब देखो क्या करते हैं आगे। अब यहाँ पर ड्रॉप के पीछे मुझे कुछ बंदा ग्लिच के कारण जंप लगाता हुआ दिखता है, और सबसे पहले तो उसे भरा। अब बारी थी दूसरे की, और दूसरा देखना कहाँ लेटा हुआ था। अब जस्ट आप स्क्रीन पे देखना मेरी, और फाइनली यार मतलब देखो ये बंदा इतनी क्लोज लेटा हुआ है, और घास भी इतनी नहीं है, लेकिन दूर से ऐसा लगता है कि भैया कितनी गहरी घास हो गई यहाँ पे, और जो लेटने वाले का कॉन्फिडेंस था ना वो तो मतलब लाइक दिखेगा ही नहीं। मतलब फिलहाल ड्रॉप में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको हम लें। अब मैं उठाता हूँ सिर्फ क्रोजा, लेकिन इस बंदे की पेटी से हमको मिल गई काफ़ी बढ़िया सारी लूट। और ग्रेनेड में हमेशा रखता हूँ 3 से 4, अब थोड़ा ज़्यादा ही शौक है ग्रेनेड्स का। फिलहाल जो है निकल लेते हैं यहाँ से, और सोलो में लगभग मैं 6-7 ग्रेनेड रखता हूँ, क्योंकि जब भी सोलो में आपको किसी को मारना होता है तो भैया ग्रेनेड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 1v1 में तो भैया वो डायरेक्ट ही मरेगा, और ऐसे में आपके लिए भी फ़ायदा ही रहेगा, जितनी आप कम फाइट लो उतनी आपके मरने के चांसेस भी घटेंगे। अब यहाँ पे कुल 8 बंदे बचे हुए थे, और आगे होने वाला है डिफाइन के साथ कुछ बुरा। हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे लगी हुई थी गाड़ी, मतलब गाड़ी मतलब बंदे, अब बंदे मतलब टीम भी हो सकती है डुओ भी हो सकता है, यहाँ पे डुओ ही था, और ये डुओ जो है डिफाइन को भर देता है बिल्कुल। मतलब देखो आप, जब तक मैं क्रॉस करके पहुंचा ना लगभग लगभग 2 सेकंड लगे होंगे, 2 से 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर एक ने नॉक करा और एक ने फिनिश, मतलब काम ही खत्म। तो इसलिए कहते हैं भैया अपने टीममेट से अकेले मत जाओ, मतलब किल के चक्कर में इतना भी मत भागो कि मतलब टीममेट कभी नहीं दे पाए। फिलहाल बचे थे कुल 5 बंदे, और मुझे लग रहा था कि मैं एक हूँ और वो पूरी टीम हो सकती है, इसलिए मैंने जो है सबसे पहले तो गन्स ले ली अच्छी खासी, जो कि मेरे को काम आने वाली थी, यानी कि M249। अगर एक टीम होती तो मैं उनको इजीली मार पाता। अब यहाँ पे ये बंदा देखो कहाँ लेटा हुआ था, मतलब फ्री फंड में ये तो गाड़ी के नीचे आ गया। लास्ट सर्कल में ये चीज़ ये सीन बहुत ज़्यादा होता है। खैर उसके बाद जो है यहाँ से निकल लेते हैं, और आगे जाके एक और टीम को सपोर्ट होने वाली है।
अब वो टीम आपको दिख गई होगी जो थोड़े से देखने में एक्सपर्ट है, अब देखो बजाते कैसे उनको। और फाइनली यार ये दोनों भी गए, और इसके साथ ही अब बचा सिर्फ एक बंदा। और मुझे लगा था कि ये पूरी टीम होगी 3 बंदों की, तो एक ही बार में बिछा देंगे और मैच ख़त्म करेंगे यहीं पे, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे को वही बंदा अगेन स्पॉट होता है। देखो आप, अब देखो ये बच के निकल गया, लेकिन जिस तरीके से इसको मैं मारूंगा ना आखिर में, उसको देख के आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको सही लगेगा वो किल, तो ठीक है, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो कैसे बजाते इसको, जो सीन किया ना भाई, बस देखो आप। तो ये मेरा सिग्नेचर शॉट नहीं है, अब मैं मारने वाला हूँ उसको अपना सिग्नेचर शॉट। तो ये है मेरा सिग्नेचर शॉट, तो होप आपको सही लगा होगा। और मेरे को ऐसे मारने में ना मतलब अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब पीक करके मार सकता हूँ, इजी भी पड़ेगा, एम भी ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इस तरीके से मारने में ना एक अलग ही टाइप का ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। खैर ये वाला सेटिस्फेक्शन अगर आपको भी आखिरी किल से मिला हो ना, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट दिखाओ, तुम्हारे भाई का चैनल है तो करना यार सब्सक्राइब। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना, जिनने नहीं करा तो कर दो यार, लाइक ही तो करना है। एंड हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी है, 100K होने वाले हैं, तो जाओ यार, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई करना। और 1xBet को भी ट्राई करना यार, उससे जो है आपको 8,000 का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे फर्स्ट डिपॉजिट पे, तो ट्राई करना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे कमेंट करना मतलब फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।